और मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बीच डैम भी ओवरफ्लो हो रहे हैं। एक एक कर डैम के गेट खोले जा रहे हैं और इससे निचले इलाकों में भी पानी भर रहा है। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में भारी बारिश जारी, कई नदियां उफान पर, खोले जा रहे बांधों के गेट। जी हां, मध्य प्रदेश मूसलाधार बारिश से तरबतर हो चुका है। नदियां उफान पर हैं, तो डैम ओवरफ्लो हो रहे हैं। धार के कारण डैम का खतरा तो टल गया है, लेकिन प्रदेश के दूसरे बांधों से जल प्रलय की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस वक्त हम आपको 6 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भोपाल के कलियासोत डैम की है, जबकि दूसरी तस्वीर भोपाल के ही भदभदा डैम की है। दोनों ही जगहों पर जल स्तर काफी बढ़ चुका है। तीसरी तस्वीर आगर मालवा के कुंडालिया डैम की है और चौथी तस्वीर विदिशा के संजय सागर डैम की है। पांचवी तस्वीर शिवपुरी के मडीखेड़ा डैम की है और छठी तस्वीर जबलपुर के बरगी डैम की है। तो ये 6 तस्वीरें मध्य प्रदेश में जल प्रलय के हालात को बयां कर रही है। अब एक एक कर बारी बारी से इन तस्वीरों को देखते हैं। शुरुआत भोपाल के कलियासोत डैम से करते हैं। तस्वीरों में आप यहाँ पानी के फ्लो को देख सकते हैं। आम दिनों में कलियासोत में अमूमन इतना पानी देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस बार कलियासोत भी उफान मार रहा है। अगली तस्वीर भोपाल के ही भदभदा डैम की है। यहाँ भी पानी का तेज बहाव है और डैम पूरी तरह लबालब है। हालांकि यहाँ कुछ लापरवाही की तस्वीरें भी देखी जा रही हैं। लोग उफनते डैम के सामने फोटो सेशन में लगे हैं और उनके साथ महिलाएं और बच्चे भी हैं। अगली तस्वीर आगर मालवा के कुंडालिया डैम की है। कुंडालिया डैम में भी पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। यह डैम के कई गेट खोलने पड़े हैं। तस्वीरों में आप डैम में पानी के तेज बहाव को देख सकते हैं। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके में कितनी बारिश हुई है और डैम में कितना पानी है। आगे अब विदिशा के संजय सागर डैम की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ डैम से पानी छोड़े जाने के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया है। राहत और बचाव दल बोट से लगातार गश्ती कर रहा है। संजय सागर डैम के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अगली तस्वीर शिवपुरी के मडीखेड़ा डैम की है। डैम का नजारा दूर से जितना मनोरम है, पास से उतना ही भयावह, क्योंकि डैम में जल स्तर बढ़ने के बाद इसके कई गेट खोल दिए गए हैं। अब चलते हैं जबलपुर। ये तस्वीर बरगी डैम की है। बरगी डैम में भी पानी ओवरफ्लो हो चुका है। डैम के गेट खोल दिए गए हैं। यहाँ भी निचले इलाकों में जल स्तर बढ़ गया है। लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। उधर मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में भारी बारिश के आसार हैं। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।